महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कासिमपुर बिरहा स्थित प्राचीन श्री झारखंडेश्वर महादेव मंदिर में जो अमृत पीते हैं वो देव कहलाते हैं और जो हलाहल विष पी जाते हैं वही महादेव कहलाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा भगवान श्री विष्णु को सत्यनारायण की उपाधि से अलंकृत करते हुए श्री ब्रह्मा जी को उनके झूठ के लिए पूजन से बाहर करने वाले आज पावन दिवस पर जिनका ज्योतिर्लिंग रूप में प्राकट्य हुआ है और आज के ही पावन दिवस पर जिनका आदिशक्ति माँ जगदम्बा गौरी पार्वती जी के साथ पाड़ी गृढ़ता हुआ था। श्री झारखंडेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ की बहुत महिमा है। यह मंदिर करीब 150 वर्ष पुराना है। भक्त लोग बताते हैं कि यहाँ पर ग्राम समाज की भूमि पर जंगल हुआ करता था। एक दिन कुछ गांव के लोग पानी के लिए कुआं खोद रहे थे तो उसमें से खून की धार निकलने शुरू हो गई। गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। उनको लगा कि कोई जानवर जीव इसमें हो सकता है। तब उन्होंने उस कुएं के आकार को और बढ़ाकर खुदाई करना शुरू किया तो उसमें से यह शिवलिंग निकलकर सामने आई। शिवलिंग में आज भी फावड़ा का निशान बना हुआ है जो ही खोदते समय शिवलिंग पर पड़ा था। विकल्प श्रीवास्तव बताते हैं कि जो जीता जागता उदाहरण है कि एक माता जी की आग की रोशनी चली गई थी जो कि श्री झारखंडेश्वर महादेव मंदिर से उनके ऊपर जलाभिषेक किया हुआ जल का नीर ले जाकर के आंखों में डालती थी। आज वह बिल्कुल स्वस्थ हैं और सब कुछ देख सकती हैं। रजनीश त्रिवेदी बताते हैं कि इस स्थान की बहुत महिमा है। यहाँ बहुत दूर दूर से भक्त गण यहाँ आते हैं। गोसाईगंज की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू ढंग से कर रही है। महिला कांस्टेबल सिपाहियों की मौजूदगी रही। मंदिर प्रबंध समिति द्वारा सुचारू ढंग से सभी व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। रजनीश त्रिवेदी विधानसभा संयोजक मोहनलालगंज, भाजपा मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री विकल्प श्रीवास्तव, कुलदीप शंकर श्रीवास्तव, प्रभात त्रिवेदी, अंकित शुक्ला, आलोक महाजन सहित हजारों भक्तगण मौजूद रहे। नमस्कार, अर्जुन तिवारी न्यूज 30 डेज में आपका स्वागत है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। भोले बाबा के जय जयकारों से झंडे महादेव मंदिर जो कासिमपुर बिरहा में स्थित है, करीब 150 वर्ष पुराना मंदिर है ये। यहाँ पर जो शंकर जी की मूर्ति है वो स्वयंभू है, वो प्रकट हुई मूर्ति है। हमारे साथ में मंदिर के कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे जानते हैं कि आज क्या है इतिहास यहाँ का, कैसे बाबा सभी का कल्याण करते हैं भक्तों का। हमारे साथ में श्री बातों जी बताएँ। ये एक भाग थी, ये ग्राम सभा की एक भाग थी जिसमें नीम का पेड़ और पीपल का पेड़ साथ में था। हमारे पूर्वज उसकी खुदाई कर रहे थे तो अचानक खुदाई करते समय ब्लड निकलने लगा तो उन लोगों ने सोचा कि शायद कोई जानवर कट गया है हमारे फावड़े से, तो उन लोगों ने उसको थोड़ा चौड़ाई से खोदने की कोशिश की। चौड़ाई से खोदने के बाद ये निकला कि जैसे वो लोग अंदर जाने के लिए तो खून की धाराएं ऊपर बढ़ना शुरू हो गई थी, जो कि निशान लाट के ऊपर फावड़े के निशान देखे जा सकते हैं। उसको जब इन लोगों ने सोचा कि लाइए इस लाट को हम निकाल लेते हैं, उसको निकालने की कोशिश की गई तो लाट अपने आप ऊपर बढ़ना शुरू हो गई। इसलिए उसी समय यहाँ पर अयोध्या धाम से कुछ पंडितों को और योग्य लोगों को बुला करके मंदिर का निर्माण करा दिया गया। ग्राम सभा के लोगों ने मिलकर मंदिर का निर्माण करा दिया। तब से आज तक यहाँ पर हर शिवरात्रि बाबा का मेला लगता है। हजारों और सैकड़ों भक्त बहुत बहुत दूर से, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हमारे पास है जिनके मोबाइल नंबर मेरे पास हैं। एक माता थी जिनका नेत्र डॉक्टर ने बता दिया था कि आपके नेत्र अब कभी भी देखने लायक नहीं रहेंगे। इसी जल, इसी झारखंडो संबंधित का नीर वो ले जा करके वो आज बॉम्बे में रह रही हैं। 70 साल उनकी उम्र है, आज भी वो उसी तरह देख रही हैं। उन्होंने यहाँ से ले जा करके नीर सुबह शाम वो नीर डालना आँखों में शुरू किया, आज उनकी दोनों आँखें सुरक्षित हैं। बहुत से ऐसे चमत्कार, लोगों के घंटे, जिन लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पूरी हुई हैं उन लोगों के नाम के घंटे यहाँ हजारों नहीं लाखों करोड़ों में घंटे हैं जो कि लोगों के नाम से मन्नत मांगे हुए घंटे बंधे हुए हैं। इसमें से एक भी घंटा आज तक खोला नहीं गया है। और इस मंदिर की एक और विशेषता ये है कि आप लगातार 16 सोमवार किसी भी चीज़ का व्रत लेकर के इस मंदिर में आएंगे, 17वां सोमवार, ये मेरा मानना है, ये मैंने अनुभव किया है, आपका प्रत्यक्ष पूरा होगा।
अद्भुत महिमा है भोले बाबा की। झारखंडेश्वर महादेव यहाँ क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मान्यता है, हजारों लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ रजनीश त्रिवेदी जी हैं। त्रिवेदी जी बताएं हमें, भक्तों को बताएं बाबा की महिमा के बारे में। पहले तो आप सभी को इस पावन महाशिवरात्रि के पर्व पर बहुत अधिक हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को बहुत बहुत बधाई। देखिए ये बहुत ही प्राचीन काल शिव जी का जो है बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ काफ़ी दिनों से हर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में सुबह से ही भक्तों की बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ और भक्तों की भीड़ का यहाँ पे तांता लगा रहता है। और इसके प्रति जो यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के प्रति जो सैकड़ों श्रद्धालुओं की आस्था है, यही सब आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हजारों संख्या में श्रद्धालु आते हैं जलाभिषेक कर, दर्शन कर और अपना जो है आशीर्वाद प्राप्त कर, भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 डेज़।